हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज ये आपका जीरो बेस बजटिंग चैप्टर का फिफ्थ लेक्चर है। होपफुली हम आज इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। सो पॉइंट नंबर 9, परफॉर्मेंस बजटिंग। इन ट्रेडिशनल बजटिंग एम्फेसिस इज लेड ऑन फाइनेंशियल एलोकेशन एंड अचीवमेंट्स। Money is set apart for expenditures such as salary, office expense, traveling expense, lighting and heating, etc. It means a traditional budgeting money concept is given prominence. Targets and allocations, etc. are made in terms of rupee. Here, control of performance in terms of physical units or the related cost can be achieved. While in performance budgeting, emphasis is given on performance of various department. अब देखिए, traditional में क्या होता है कि हम अपने expenditures का budget बनाते हैं, salary, office expense, traveling expense, lighting, etc. etc. और target set होते हैं। जबकि परफॉर्मेंस बजटिंग में क्या होता है, हम अलग अलग डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस देखते हैं। देयर सेक्शंस इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट। हियर वेल डिफाइंड रेस्पॉन्सिबल सेंटर्स आर एस्टेब्लिश्ड वेयर operations are performed and a performance of expected performance in physical units of the center. For example, for production department, the target may be a particular quantity or units to be produced, or sales department may have a target of a particular number of units or quantity to be sold during a specific period of time. यहाँ पर क्या होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक क्वांटिटी होती है, यूनिट्स होते हैं जो डिसाइड किए जाते हैं कि इतना आपको प्रोडक्शन करके देना है, और सेल्स डिपार्टमेंट को एक टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने यूनिट सेल्स करके देने हैं। सो दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस बेस्ड। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी कंपनी इसका यूज़ कर रही हैं, वो अपने एम्प्लॉय को एक टारगेट दे देते हैं कि आपको इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, आपको इतने यूनिट्स तो सेल करने ही हैं। सो दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस बेस्ड। डेफिनेशन, एज बी बैनर्जी हैज सेड, परफॉर्मेंस बजटिंग प्रोवाइड्स अ मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन एस्टिमेटेड इनपुट्स एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट्स। यहां पर क्या होता है कि एक इनपुट डिसाइड होता है कि हम इतने एफर्ट्स देंगे, हम इतना पैसा लगाएंगे, हम इतनी मेहनत करेंगे और हमारा प्रोडक्शन इतना होना चाहिए, हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट इतना होना चाहिए। एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बजटिंग सिस्टम, ठीक है। सो हमारे इनपुट एस्टिमेटेड होते हैं और आउटपुट भी एस्टिमेटेड होते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस बजटिंग टेक्निक इज अ प्रोसेस ऑफ analyzing, identifying, simplifying and crystallizing. हम analyze करेंगे, identify करेंगे, जितना हो सके उतना simplify करेंगे and crystal clear performance देंगे. Specific performance objectives of a job to be achieved over a period in the framework of organizational objectives, the purpose and objectives of a job. The technique is characterized by its specific direction towards the business objectives of the organization. यहाँ पर हम हर एक डिपार्टमेंट को एक टारगेट देंगे, इनपुट देंगे, एस्टिमेट देंगे और उन्हें आउटपुट के लिए बताएंगे। नाउ हिस्ट्री देखते हैं। इन इंडिया
This concept was discussed in Lok Sabha during 1954 debate. But the Government of India issued instruction on administrative heads to consider the introduction of performance budget. Of 1954, आज से 66 years पहले ये डिस्कस हुआ था और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्ट्रक्शन इशू कर दिए एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स को. एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आईएएस होते हैं कि वो परफॉर्मेंस बजटिंग को कंसीडर करें. ये इसकी है हिस्ट्री. नाउ प्रोसीजर फॉर परफॉर्मेंस बजटिंग और स्टेप्स फॉर परफॉर्मेंस बजटिंग, जैसे पीबी कहेंगे, सेम होगा. हम डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, परफॉर्मेंस डिसाइड करना है. परफॉर्मेंस टाइम बेस्ड हो सकता है, क्वांटिटी बेस्ड हो सकता है. हर एक को हम टारगेट देंगे और उतना एम्प्लॉय हमें परफॉर्मेंस देंगे. सेकेंड इज एस्टैब्लिशिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स. इट इज नेसेसरी दैट वेल डिफाइंड रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स आर एस्टैब्लिश्ड वेयर ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड टू ईच रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर एंड ऑफिशियल इज हेल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही इज गिवन रिक्वायर्ड अथॉरिटी. हम एक ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और उसे अथॉरिटीज दे देंगे काम करने के लिए. प्रिपेयरिंग प्रोग्राम्स. हम अपने प्रोग्राम्स बनाएंगे, हम अपने प्रोग्राम्स बनाएंगे जिसमें हमारे कॉस्ट होंगे, एस्टिमेट्स होंगे, वो फिक्स्ड होंगे. हमारे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फिक्स्ड करेंगे. हमारे पास जितना डेटा अवेलेबल है ट्रेडिशनल बजट्स में से उसके एस्टिमेट्स करेंगे और फ्यूचर में हमें क्या करना है उसका पूरा एलोकेशन करेंगे. सो दिस इज कॉल्ड प्रिपेयरिंग प्रोग्राम्स. फाइनली परफॉर्मेंस बेस्ड पीबी को हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपने बजट में. जो भी हमारा बजट होगा उस बजट में हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे और देखेंगे उसमें से कौन से बेनिफिट्स हो रहे हैं या डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं. इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि हमने कोई भी डिसीजन लिया, वो डिसीजन हमारा कितना करेक्ट था वो देखने के लिए हम कुछ इवैल्यूएट करते हैं. हमने डिसीजन लिया, सपोज करो हमने एक क्वांटिटी का गोल रखा था कि हमें इतनी क्वांटिटी बनानी है. वो गोल पूरा हुआ या नहीं हुआ? हमने 1000 यूनिट्स बनाने का गोल रखा था, क्या 900 पे ही हमारा टाइम पूरा हो गया, हमारा मटेरियल पूरा हो गया? या ऐसा हो सकता है कि 1000 का टारगेट रखा था, हमने 1200 यूनिट्स बना लिए. सो हम अपने हर एक डिसीजन का इवैल्यूएशन करेंगे. अ प्रॉपर सिस्टम फॉर इवैल्यूएटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एक्टिविटी मस्ट बी प्री डिटरमाइंड होना चाहिए. ठीक है. सो ये है इवैल्यूएशन. नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग के? तो ये आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, एडवांटेजेस दिए हुए हैं, लिमिटेशंस दिए हुए हैं. ये आप इंडिविजुअली रीड करोगे. ठीक है. मैं आगे इसलिए आपको ये नहीं करवा रहा हूँ एडवांटेजेस या लिमिटेशंस, क्योंकि ये जो है परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग है और हमारा चैप्टर है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग. ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हम हर एक प्रपोजल को फ्रेश प्रपोजल कंसिडर करेंगे और ज़ीरो लेवल, ग्राउंड लेवल पर जाकर उसका बजटिंग करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे. ये है परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग. परफॉर्मेंस में जो डिपार्टमेंट, जो एम्प्लॉई ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा
उस डिपार्टमेंट या उस एम्प्लॉय को अच्छे बेनिफिट्स दिए जाएंगे, अच्छी सैलरीज दी जाएंगी, अलाउंसेस दिए जाएंगे. सो परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग इज़ अ डिफरेंट. दूसरा, ये आइडेंटिफाई करना कि किसका परफॉर्मेंस बेस्ट है, इवेल्यूट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है. ठीक है, सो दैट्स इट. ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ही पूरा हुआ. ठीक है, फिफ्थ लेक्चर है इस चैप्टर का, पूरा हमने डिटेल में कवर किया. जो भी पॉइंट्स आपको लगे वो अंडरलाइन कर देना. ये हमारा आज जीरो बेस बजटिंग चैप्टर पूरा हुआ. नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नए चैप्टर के साथ.